पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने पर केजरीवाल अब फंस चुके हैं, क्योंकि पार्टी के तमाम नेताओं ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से बातचीत की हमारे सहयोगी दिवांशु मल्होत्रा ने। बादल सरकार के दौरान पंजाब के पूर्व मंत्री रहे विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ता नजर आ रहा है। आलम यह है कि पार्टी को अंदरूनी बगावत तो झेलनी ही पड़ रही है और पार्टी अब दो फाड़ में भी बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ मनोज तिवारी हैं, भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो आरोप लगाए जाते हैं, फिर माफी मांगी जाती है, और अब जो है तमाम जो उनके साथी नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम तो अपने आरोप पर बने रहेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो चरित्र है वो अब स्पष्ट होकर जनता के सामने आ गया है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ जो वादा करी है कम से कम वो तो पूरा करे, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम झूठ बोल दिए थे, हम गलत बोल दिए थे, अब हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। एक कोई क्रिमिनल होता है ना, तो उसकी एक मोडस ऑपरेंडी होती है कि वो जैसे मान लीजिए वो चेन छीनता है तो धीरे धीरे पीछा करेगा लोगों का, जहाँ के लिए देखेगा तुरंत चेन पे झपट्टा मारेगा, भाग जाएगा। ये चेन स्नेचर की मोडस ऑपरेंडी है। अरविंद केजरीवाल की ये मोडस ऑपरेंडी है, काम मत करो, झूठ बोल दो, सनसनी फैला दो, और फिर उसको इमोशनल अत्याचार कर दो, और बाद में जब फंस जाओ तो बोलो हमसे गलती हो गई, माफ़ी दे दीजिए। तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है इसका मतलब उसका दिल्ली से किया गया 70 वादा झूठा है, और ऐसे व्यक्ति को दिल्ली के सीएम पद पे बैठे रहने का अधिकार नहीं है। ये हम मांग करते हैं, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भैया तुम मजीठिया जी से तो माफ़ी मांग लिए, तुम अरुण जेटली जी से तो माफ़ी मांग लिए, नितिन गडकरी जी से माफ़ी मांग लिए, जो दिल्ली से झूठ बोले हो उसके लिए दिल्ली से माफ़ी कब मांगोगे? इस्तीफा दो, जनता में जाओ, माफ़ी मांगो, जनता माफ़ कर देगी तो हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। सो दिल्ली से कब माफ़ी मांगेंगे केजरीवाल, अब हम इसका इंतजार करें। सर, क्या फ्यूचर देखते हैं पार्टी का, क्योंकि संजय सिंह कह रहे हैं कि आरोपों पर हम बने रहेंगे, और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के तमाम जो विधायक हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो अब इनके पार्टी के लोग हैं ना, वो अब ये कभी कभी होता ना जो क्या क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, अब तो जो निकलनी थी मुँह से निकल गई। उनको तो उन्होंने लिख के बता दिया कि भाई मैं झूठ बोला, अब वो किस परेशानी में बोले हैं, क्या वो फिर से कोई साजिश करना चाहते हैं, तो मुझे हो सकता है ऐसा लगता है कि संजय सिंह जैसे लोगों का जो विरोध है ना वो भी एक ड्रामा ना हो, हमें इसका संदेह है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यही साफ तौर से कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया से तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन मनोज तिवारी साफ तौर से कह रहे हैं कि उनको दिल्ली की जनता से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़ दिल्ली। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने पर पार्टी की पंजाब यूनिट में घमासान है। इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन केजरीवाल के करीबियों का मानना है कि मानहानि के केस खत्म करना ज्यादा जरूरी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आए तब पार्टी की पंजाब इकाई ने दिल्ली नेतृत्व के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। काफी वक्त तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जिसके बाद पंजाब यूनिट को अपने सारे फैसले खुद लेने की छूट दे दी गई। पंजाब के नेताओं ने साफ कह दिया था कि दिल्ली से किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अचानक मानहानि केस में केजरीवाल ने जब मजीठिया को माफीनामा दिया तो पंजाब यूनिट ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पार्टी के सीनियर नेता इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं। उन्हें इस बात की आशंका पहले से ही थी कि पंजाब यूनिट के कुछ नेता पार्टी से अलग होकर विधायकों को अपने साथ लेकर अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। अब ये घटनाक्रम उन्हें मौके के तौर पर दिख रहा है। वहीं पार्टी के सीनियर नेताओं का मानना है कि केजरीवाल के माफीनामे के बाद कुछ जगहों से विरोध के स्वर उठेंगे, वो इसके लिए तैयार भी थे। पार्टी के नेताओं का मानना है कि जिस मुद्दे से ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो उसी मुद्दे पर अब लोगों के लिए ही काम करने के मकसद से पीछे हटने का नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक मानहानि के केस में केजरीवाल की तरफ से माफीनामा देने का फैसला लीगल टीम के साथ मिलकर लिया गया था। ये फैसला पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए नहीं लिया गया है और बस केजरीवाल पर मानहानि केस खत्म करवाने के लिए ये फैसला लिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के दूसरे नेता जिन पर मानहानि का केस चल रहा है वो और पार्टी की लोकल यूनिट केस को लड़ते रहेंगे क्योंकि फैसला सिर्फ केजरीवाल के लिए लिया गया, इसलिए पंजाब के नेताओं से बात नहीं की गई थी। केजरीवाल के माफीनामे से सिर्फ पार्टी के भीतर ही उथल पुथल नहीं मची है बल्कि पार्टी के समर्थक भी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर जमकर इस फैसले पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जब पार्टी कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि आंदोलन से निकली पार्टी ऐसा कैसे कर रही है, वहीं विरोधी भी इस मामले पर आक्रामक है। पार्टी नेता कुमार विश्वास भी खूब तंज कस रहे हैं। पार्टी भले ही इस मसले को ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं दिख रही हो लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी ने खुद से दूसरी परंपरागत पार्टियों से अलग होने का दावा किया था और इसी नाम पर सहयोग भी बटोरा था, लेकिन केजरीवाल के इस कदम से पार्टी के काफी समर्थक निराश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।